guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Sara and you are watching Life of Sara. So as you all know, wedding season is around the corner. और घर में शादी भी आ रही है and I have still not decided yet मैं पहनने क्या वाली हूँ. और इस बार हमने एक चीज तो डिसाइड कर लिया कि हम सदर बाजार जाएंगे, क्योंकि हम हर बार चांदनी चौक ही जाते हैं. लहंगा सुनते ही चांदनी चौक. इस बार हमने सोचा है इस बार हम सदर बाजार डिस्कवर करेंगे. और ये मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि कोई अच्छी सी शॉप हो तो मुझे बताना, तो उन्होंने एक शॉप ढूंढी है. चलो चलते हैं. इतने सुंदर वेदर के साथ हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन. हमें दिल्ली मेट्रो के सबसे लास्ट वाला जो मेट्रो स्टेशन है, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी मेट्रो, वहां तक पहुंचना है. फिर हमें बस एक काम करना है, अपने गूगल पे सर्च करना है हरीश बेकरी या हरीश स्वीट्स. मैं अपनी मम्मा के साथ आई थी और फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग. और एक और चीज है, अगर आपको और अच्छे से सर्च करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट लिख दोगे आप तब भी आ जाएगा वहां पे. आप देख रहे हो यहाँ पे कितना स्पेशियस है, आप अपनी कार भी पार्क कर सकते हो. तो हमने इधर ही अपनी कार पार्क करी एंड वी आर फाइनली डेजी फैशन. इट वॉज ऑल पर्पल. यू गाइज नो हाउ मच आई लव पर्पल, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे एथनिक वेयर मिलता है. तो एंटर करते ही आपको इतना अच्छा और पॉजिटिव फील होगा. यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही सूट सलवार दिखने लग गए थे और बहुत अच्छा एम्बियंस दिख रहा था. फिर हम एंटर करते हैं. आई गेस दिस प्लेस डिजर्व सिनेमैटिक शॉट्स, क्योंकि भाई इतनी सुंदर प्लेस है. इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना, यू विल ऑल्सो गोइंग टू लव दिस प्लेस. भाई इतने सुंदर आउटफिट्स है, मैं आपको क्या ही बताऊँ. यहाँ पे मेरे को सूट बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, डिटेलिंग बहुत अच्छी थी एंड ऑफकोर्स इतने सारे ऑप्शन थे, मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं क्या ही लूं. देन आई सॉ दिस रानी कलर कुर्ती जो मुझे बहुत अच्छी और कॉलेज वाली वाइब दे रही थी और मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी. यहाँ पर अनस्टिच वाले सूट भी थे जो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे. डिटेलिंग आप देख सकते हो, इसमें बीड्स वर्क हो रहा था. मैं बताऊँ आपकी चॉइस जैसी भी हो आपको हर टाइप के सूट मिल जाएंगे. देखो इधर कॉटन के सूट भी है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था. फैब्रिक पकड़ के फील हो रहा था कि हाँ अच्छी क्वालिटी का है. और फिर मेरी नजर पड़ी इन सुंदर सुंदर पेस्टल कलर के चंदेरी सिल्क के सूट और ये इतने ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं मैं क्या बताऊँ. इसके अंदर सीक्वेंस और बीड्स का वर्क हो रखा है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा रॉयल लुक दे रहा था. शॉप में पता है एक और ऐसा कॉर्नर था जहाँ पे हर एक टाइप के फैब्रिक के ना आपको फ्रॉक सूट मिलेंगे. मुझे ये व्हाइट वाला बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने इसको पहना ना तो अलग से हाईलाइट होंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा शिमर कर रहा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट प्लेस जहाँ पे हर एक वुमन का सपना होता है कि उसके पास हर एक कलर की साड़ी हो. तुम देख सकते हो इसके अंदर आपको हर एक पैटर्न की, हर एक कलर की, हर एक फैब्रिक की साड़ी मिल जाएगी. जिन साड़ी के बॉर्डर में ऐसे जर्किन का वर्क हो रखा था मुझे वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है. यहाँ पे आपको लाइट से लाइट और हेवी से हेवी साड़ी मिल जाएगी. हर एक ओकेशन के लिए आप यहाँ पे साड़ी बाय कर सकते हो. मुझे यहाँ का पर्पल और पिंक कलेक्शन बहुत ज्यादा सुंदर लगा था, क्योंकि हर एक साड़ी बहुत ज्यादा यूनिक थी. यहाँ पे मम्मा भी अपने लिए कुछ देखने लग गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे ऑप्शन का मन नहीं करेगा. यहाँ पे मुझे ये रानी कलर की साड़ी बहुत प्रिटी लग रही थी, मम्मा को भी बहुत अच्छी लग रही थी. और उन्होंने ब्लाउज लगा के देखा, देख रहे हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था. अगर आपको ज्यादा चमक धमक वाली चीजें नहीं पसंद है, यहाँ उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कॉटन के सिंपल सूट भी ले सकते हो. यार एक ही सूट में इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं और दूसरी चीज अफोर्डेबल इतने ज्यादा है कि हर कोई बाय कर ले. यहाँ इतना डिस्कवर करने के बाद आई थॉट टू गो टू द सेकंड फ्लोर और यहाँ पे अलग ही फैंटेसी है भाई. यहाँ पे हर एक आउटफिट मिल जाएगा आपको. ऐसा लग रहा था मैं कोई ड्रीम क्लोजेट में आ गई हूँ. ऊपर वाला फ्लोर ज्यादा ही ग्लैमरस वाइब दे रहा था. जस्ट लुक एट द पीसेस, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे. ऊपर से सिटिंग अरेंजमेंट भी है, आराम से आप ट्राई कर सकते हो. लाइटनिंग वगैरह इतनी अच्छी है, हर एक आउटफिट की डिटेलिंग इतनी अच्छे से दिख रही थी कि मन कर रहा था कि सारे आउटफिट ट्राई करूँ. एक मिनट, हम ट्राई कर सकते हैं यार, चलो ट्राई करते हैं. तो सबसे पहला आउटफिट मैंने ये स्टनिंग कॉकटेल ड्रेस करी थी और इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट और लग्जूरियस है, लाइक इट हग्स ऑल द राइट प्लेसेस विदाउट बीइंग अनकंफर्टेबल. यहाँ पे आपको और ऐसे डिजाइनर पीसेस मिलेंगे जिसमें से मुझे ये वाला पसंद आया था. इसको मेरा टेस्ट बोल लो कि यही है. नेक्स्ट मैंने ट्राई करी ये ब्लैक प्रिंसेस गाउन और ये मेरा फेवरेट था. मतलब मेरे को ये ना सच में ड्रीम था मैं ऐसी कोई ड्रेसेस पहनूं एंड फाइनली ड्रीम कम ट्रू. ये रिसेप्शन गाउन है और बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था और इसके अंदर सीक्वेंस का वर्क हुआ है और बहुत अच्छा फ्लेयर है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था. और जितना ये हेवी दिख रहा है ना उतना तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत लाइट था ये पहनने में भी, मैं तो बस घूम ही रही थी, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था. नेक्स्ट इज मेहंदी आउटफिट और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे. मैंने ये वाला पहना क्योंकि इस लहंगे की एम्ब्रॉयडरी इंट्रिकेट और डेलिकेट थी. देखो कैसे ये सटल और एलिगेंट डिटेलिंग इसे और भी खूबसूरत बनाती है. प्लस इसका जो फैब्रिक है ना बहुत कंफर्टेबल है, मेकिंग इट मोर
और इजी टू ट्वर्ल अराउंड विदाउट एनी हैसल। और इसका दुपट्टा बहुत लाइट वेट है, मेरे को बहुत पसंद आई थी ये ड्रेस। नेक्स्ट इज द वेयरिंग आउटफिट, और ये मैं ब्लाउज नहीं पहन पा रही थी क्योंकि वो अनस्टिच्ड है, तो वो कस्टमाइज कराना पड़ता है आपको अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरलुक दे दिया है कि वो कैसा लगेगा। अगर मैं डेजी फैशन की ब्राइडल कलेक्शन की बात करूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लगेगा तुम्हें यू आर वेयरिंग अ पीस ऑफ आर्ट। हर एक थ्रेड वर्क इतना परफेक्शन के साथ क्राफ्टेड है, तुम्हें प्यार हो जाएगा, मतलब इट ऑल गिव्स यू द टाइमलेस ब्राइडल वाइब। यहाँ के कलेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस है, हर मतलब लाइट से लाइट और डार्क से डार्क कलर्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आउटफिट विच इज ऑन द थीम आफ्टर पार्टी। इसका फैब्रिक इतना लाइट और कंफर्टेबल है कि आप पूरी रात डांस कर सकते हो विदाउट फीलिंग वेट डाउन। इस काम का जो कलर है ना, बहुत स्ट्राइकिंग है, मेकिंग श्योर यू स्टैंड आउट इवन इन द क्राउड। ऐसे पीसेस आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। मैंने तो ये वाला चूज किया क्योंकि द वे इट फ्लोज विद एवरी स्टेप, इट्स लाइक द गाउन दैट हैज इट्स ओन पर्सनालिटी। और मतलब ये काफी ज्यादा क्लासी और ग्लैमरस लग रहा था, तो मेरे को तो यही वाला पहनना था। वैसे मैं अगर दूसरे गाउन की बात करूँ तो मेरे को ये बोलना ही पड़ेगा, हर एक गाउन अपने वे में बहुत ज्यादा सुंदर है। ये लैवेंडर वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था, बट आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसलिए मैंने ये वाला ट्राई किया। सो द नेक्स्ट आउटफिट विच आई ट्राइड इज फॉर द एंगेजमेंट, और ये काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा था। पेस्टल कलर्स तो मेरे को बहुत पसंद है, आई गेस सबको पसंद होगा क्योंकि ये कलर्स इतने ज्यादा लाइट और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, मैं क्या बताऊं। पापा जी को ये बहुत पसंद आया था, पता नहीं क्यों, उनको फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी लगी और मुझे भी इसकी फिटिंग, और ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए बना है। तो जो नेक्स्ट आउटफिट मैं पहनने वाली हूँ वो हल्दी मेहंदी के कलेक्शन में से है, और बहुत ही ज्यादा प्रिटी कलर्स थे इसके अंदर, मैंने ये येलो चूज किया है। इस सूट का जो डिजाइन है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट है, विद जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ डिटेलिंग टू कीप इट ट्रेडिशनल येट शी। और जो ये एम्ब्रॉयडरी की गई है वो इस सूट को और भी खूबसूरत बनाती है, जस्ट गिविंग इट अ परफेक्ट फेस्टिव टच। सो इफ यू आर लुकिंग एनी परफेक्ट आउटफिट जो आप हल्दी पे भी पहन सकते हो, मेहंदी पे भी पहन सकते हो, ये येलो सूट इज डेफिनेटली द वे टू गो। सो दिस वॉज इट फॉर माई ट्राई ऑन सेशन। और हाँ, यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं होता है, यहाँ पे इतने ज्यादा ऑप्शन थे, मैं हर पीस नहीं दिखा सकती, पर मैंने अपने बेस्ट पीसेस आपको दिखाने की कोशिश करी। और मैं आपको सच बोलूंगी, एक एक पीस इतना प्यारा, इतना प्रिटी है ना, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, आप यहाँ पे बिना कुछ लिए चले जाओ। और मैं आपको सच बोलूंगी, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव थी, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग थे। मैं इस शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक इट आउट। और मैंने जो भी आउटफिट पहना, आपको कौन सा अच्छा लगा, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।